सर हमारा ये स्टार्ट हो चुका था स्फेरिकल मिरर। आज फिर मैं उस चीज को रिकैप कर देता हूं। ओके अलग फिलिंग कर लिया जाए, कहां तक है ये, यहां तक और इधर आपको ये यहां पर। तो स्फेरिकल मिरर जो हम लोग पढ़ते हैं एक्चुअली वो आया आपको हॉलो स्फेरिकल ग्लास। ठीक है, ये जैसे मैंने एक हॉलो स्फीयर ये लिया, हॉलो स्फीयर, और उसको मैंने कट किया। कट कर दिया, जब कट कर दिया तो क्या मैंने अपनाया तरीका कि एक तरफ मैंने इधर पॉलिश किया रेड ऑक्साइड, केमिकल नेम रेड ऑक्साइड, पॉलिश कर दी, और दूसरी तरफ मैंने इस पोर्शन को पॉलिश किया। यहां पर क्या मैं देख रहा हूं कि ये जो अनपॉलिश ये पॉलिश ये जो अनपॉलिश पार्ट है दिस इज रिफ्लेक्टिंग पार्ट, रिफ्लेक्टिंग पार्ट। ओके, यहां पर ये बेंट इन जो अंदर की ओर मुड़ा हुआ है वो पार्ट रिफ्लेक्टिंग है, वैसे को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। ओके, कॉनकेव मिरर किसको हम कहेंगे, कॉनकेव मिरर बताइए जरा, किसको कॉनकेव मिरर बोलेंगे बताओ, जो बेंट इन यानी अंदर की ओर जो मुड़ा हुआ हो, जैसे इधर में हम चेहरा देखें जो अंदर के ऊपर, ऐसे को हम लोग कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर इज दैट टाइप ऑफ मिरर इन विच द रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज बेंट इन सरफेस, अंदर की ओर वाला बेंट, और इसका जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट है वो आउटवर्ड, आउटवर्ड पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग। ओके, आउटवर्ड पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग एंड आउटवर्ड पार्ट इज रिफ्लेक्टिंग, और इसको हम लोगों ने नाम दिया कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। ओके, ये अब आइए कुछ टर्म्स हम लोग डिसाइड करें, टर्म्स क्या टर्म्स इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, क्लास टेंथ बी एंड सी, क्लास में समीर कुमार है, हम्म,
सब लोग मौजूद है ना? लाइन कट गया था बीच में। हाँ, तो टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल बोर्ड नहीं अच्छा दिख रहा है, सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है? थोड़ा थोड़ा आप एहसास कीजिए और ये बात आपको नोट्स में मिल जाएगा, ठीक। जैसे मान लिया मैंने बोला और लिखा टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, क्योंकि कोई डायग्राम तो नहीं है, अगर मैं जूम करूंगा तो पूरा स्टेटमेंट तो जूम नहीं होने वाला है ना, कुछ छूट जाएगा कुछ। चलिए, टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, कुछ टर्म्स जानो भाई। मैं यहां पर इधर मैं कॉनकेव ले लेता हूं, कॉनकेव मिरर। श्रीवास्तव सर में बोर्ड दिख रहा था, अभी श्रीवास्तव सर पढ़ा रहे थे, बोर्ड दिख रहा था, दिख रहा था, पता नहीं मेरे में क्यों नहीं दिख। नेटवर्क पर होगा भाई, क्योंकि तो श्रीवास्तव सर वाले में हम भी थे मौजूद, बीच बीच में देखे होंगे, मैं आ रहा था, है ना? तो कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर, देखो टर्म्स क्या क्या है। ये हो गया आपका पोल, सेंट्रल पार्ट ऑफ द मिरर, दिस इज पोल। सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कर्वेचर बोल रहे हैं, सॉरी, हाँ ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ध्यान दीजिएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ओके। सी, सेंटर इज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट, जिसका ये मिरर क्या है, हिस्सा है, ठीक है। ये एंड पी इज द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर, याद रखिएगा, मिरर का सेंट्रल पॉइंट पोल है और स्फेरिकल मिरर जिसका ये हिस्सा है उसका सेंटर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई दिक्कत नहीं? नो सर, नोट जाएगा रे सब, डोंट वरी, इस बार कार्यक्रम और अच्छा होगा, नोट्स भी मैं भेजूंगा प्लस क्वेश्चन वगैरह भी भेजूंगा और आप उसको जरूर बनाकर भेजिएगा, ठीक है। हो सके तो स्नैप के थ्रू ही वर्क करेंगे ये काम, क्योंकि ऐसे क्या होता है व्हाट्सएप पे फाइल आने लगता है तो फाइल ज्यादा स्टोर हो जाता है। एक बार याद है ना, स्नैप के थ्रू टेस्ट दिया गया था, एक दिन का टाइम दिया जाता है, वही विधि लगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल इज प्रिंसिपल एक्सिस, ओके। ये
सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस. ऑफलाइन पढ़ना है ये कौन लिखता है? आपसे आकाश कुमार. ये नहीं समझ में आई बात? ऑफलाइन पढ़ना है आपसे, क्या हुआ इसका मतलब? अभी तो ऑफलाइन चल ही नहीं रहा है, गवर्नमेंट अभी ऑफलाइन क्लास बंद कर दिया है. ना क्लियर? तुम ऐसे ही सब शिकायत कर दे तो मोबाइल चार्ज रहता नहीं है तुम्हारा, और नया खरीदा तो क्या समझाओगे, हमेशा अपने आप चार्ज होते रहेगा. नेक्स्ट वन, ओ 3 GB का रिचार्ज, वेरी गुड. अब नेक्स्ट पॉइंट इज फोकस. अभी भी हमारे कुछ बच्चे आ रहे हैं, इतना लेट क्यों आ रहा है पता नहीं. लेकिन कल बच्चों की संख्या बहुत अच्छी थी, खुशी हुआ मन, 51 स्टूडेंट्स थे. लेकिन आज बच्चों की संख्या उतनी नहीं दिख रही है मुझे. फोकस, ये जो टर्म मैंने लिखा सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ये पहले से मैंने डिसाइड कर लिया कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ द मिरर इज पोल एंड सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर ऑफ विच द मिरर इज अ पार्ट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. ओके, कुछ टर्म्स और भी है जो हम पहले से ही डिसाइड करके लिख सकते हैं. जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बीच की दूरी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर. नाउ अब एक आप रूल जानिए, इस पर ज्यादा डिस्कशन इसके बाद के टॉपिक में होगा, लेकिन अभी एक टर्म्स को जानने के लिए हमको ये रूल जानना पड़ेगा. क्या है? यदि मैं बहुत सारा पैरेलल रे विथ रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस ले जाऊं, ठीक है, पैरेलल रे किसके रेस्पेक्ट में पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के रेस्पेक्ट में. तो पाते क्या है? ऑल रे कन्वर्ज एट वन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. समझ गया बाबू? ऋषभ, प्रत्युष, समझ गया? प्रज्ञा? प्रज्ञा नहीं है. अच्छा ठीक है. तो दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस. किस पॉइंट को फोकस कहते हैं? हाँ, रोशन एंटर्ड, अभी एंटर ही कर रहा है. द रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कन्वर्ज एट वन पॉइंट आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, ठीक है, दैट पॉइंट इज नोन एज फोकस. ओके, फिर आइए फोकस और पोल के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ. वेरी गुड, ये क्लास 8 में पढ़ चुके हो, है ना जी? तो दीज आर द, हाँ, तो अंतर यही है क्लास 8 और 10th में, इवन हमको लगता है 7th में भी कुछ टॉपिक है. अंतर ये है कि इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत ऐड है. हाँ, लेंस फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला ऐड है. समीर कुमार बोल रहे हैं, क्या यार कभी चेहरा नहीं दिखाए ऑफलाइन आके? है चलिए कुछ हम लोग और जाने. अच्छा एक बात वहां मैं बताना भूल गया कि चूंकि उस मिरर में
सारे रेज जो रिफ्लेक्ट होकर आए थे वो कन्वर्ज हो गए थे। इसलिए कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है। ओके, कॉनकेव मिरर का दूसरा नाम क्या है? कन्वर्जिंग मिरर। मिरर मिरर। नाउ एक और टर्म जान लिया जाए, दैट इज अपर्चर। बुक में आप अगर अपर्चर को देखेंगे तो थोड़ा हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो जाए। एपर्चर में वो लिखता है, ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर देता है और लिखता है द डायमेट्रिक डिस्टेंस या द डायमेट्रिक डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्टिंग पार्ट इज नोन एज एपर्चर। आपको सोच कर लगता है कि अरे भाई तो डायमीटर तो है नहीं, है ना। एक्चुअली जितना रिफ्लेक्टिंग पार्ट है उसका जो डायमीटर बनेगा वो मैं दिखा देता हूं। ये साइड व्यू है, आप फ्रंट व्यू इसका देखें। फ्रंट व्यू कैसा लगेगा? कॉनकेव इस तरह का रहेगा ना जी, सामने से तो ऐसा ही ना दिखेगा, सर्कुलर टाइप से दिखेगा ना। ये पूरा जो रिफ्लेक्टिंग पार्ट हुआ दैट इज नोन एज अपर्चर, और इसका मेजरमेंट जो किया जाता है ये डायमीटर, इसको शो किया जाता है। दिस इज अपर्चर, समझ गए? हाँ, ये डायमीटर वो साइड से दिख, नहीं नहीं ये जो दूरी लिया गया, जैसे आपको ये किनारे किनारे कैसा लग रहा है? सर्कुलर लग रहा है कि लग रहा है? नहीं, ये 2D है। 2D कैसे हो गया? तुम स्फेरिकल मिरर, सुनो सुनो मैं बता रहा हूँ, स्फेरिकल मिरर आप ठीक है समझ रहे हैं कि यहाँ पर, हाँ तो ये तो ठीक है, 2D तो हो ही गया। तो 2D हो गया तो हम उसमें नहीं ले सकते हैं, डायमीटर नहीं शो कर सकते हैं। लाइन, सिर्फ लाइन, सिर्फ लाइन, सिर्फ लाइन दे रहे, समझ गए? बस सीधा समझो कि मैंने एक स्केल से इसको मेजर कर लिया, ऐसे ऐसे, इस तरह से, इस तरह से, इसीलिए ना डायमेट्रिक डिस्टेंस बोला जा रहा है। समझ गया बाबू समीर भाई? चलो आगे बढ़ा जाए। अपर्चर मैं इसलिए इस्तेमाल किया हूं क्योंकि जब एफ इज इक्वल टू आर बाई टू प्रूव करना होगा, वहां हम लोग को मानना पड़ता है कि लेट अपर्चर भी वेरी वेरी स्मॉल, समझ गए? इसीलिए मैंने पहले ये जिक्र कर दिया आपको। नेक्स्ट आइए, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसमें मैं एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा, ये बहुत कम लोगों को पता है ये ट्रिक। जो बच्चे को फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए रामबाण काम करेगा, और जिसको इंटरेस्ट है उसको ट्रिक से क्या जरूरत। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, पहला रूल देखिए, ये मैंने कॉनकेव मिरर बनाया एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, this is pole and line passing through the center of curvature and pole is principal axis. First rule kya kehta hai ki when the ray is parallel to the principal axis it passes through focus. Samajh aa raha hai? When ray is parallel to the principal axis it passes through focus. Ab zara gaur kijiye, ये भले ही रूल आपको समझाया जाता है ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल महसूस करें, एक्चुअल में ये तमाम चीज बेस्ड है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से। कैसे मैं समझाता हूं? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, कहता है ना जी? आप समझे वही चीज यहां पर लागू है। कैसे मैं समझा? सेकेंड रूल कहता है, हाँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि कोई लाइन पास किया
तो वापस उसी रास्ते से चला जाता है। ये सब खाली बोलने का बात है। हाँ, यानी आपको थोड़ा फ्रेंडली बनाने के लिए ये सब लाइन इस्तेमाल किया गया है। एक्चुअल में क्या हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से यदि जो रे जाता है वो मिरर पे नॉर्मली फॉल करता है, समझ गया, नॉर्मल वे में फॉल करता है। देखो याद करो, ये नॉर्मल है और इसमें इंसिडेंट रे गया तो लौट के उसी रास्ते से जाएगा कि नहीं, बोलो ना, जाएगा। क्या यहाँ पर यूज हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज जीरो एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज जीरो। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन दोनों जीरो होगा, इट मीन्स रे विल रिटर्न बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन, समझ रहे हो। वही बात है सेंटर ऑफ कर्वेचर से रोजो रे जाता है। ये सिर्फ आपको थोड़ा इजी बनाने के लिए ऐसे लाइन का इस्तेमाल किया जाता है। और अब आप ये गौर कीजिए कि ये जब नॉर्मल हो गया तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, होगा कि नहीं, है ना जी। अरे बोलो, जागे रहो, कुछ कुछ यस वगैरह कहोगे तब लगेगा कि हाँ आप लोग एक्टिव हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि दूसरा मोबाइल में पबजी चालू कर दो। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं सेकंड रूल, तो यहाँ बता ही दिए लेकिन थोड़ा हम और क्लियर दिखा देते हैं डायग्राम के रूप में। सेकंड रूल क्या बोले थे, यदि इफ रे इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इट रिटर्न्स बैक अलोंग द सेम पाथ आफ्टर रिफ्लेक्ट, है ना। और थर्ड क्या है, थर्ड जो है फर्स्ट का उल्टा, फर्स्ट का उल्टा। फर्स्ट क्या था कि जब रे पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के पासिंग थ्रू फोकस, तो उल्टा हो जाएगा व्हेन रे इज पासिंग थ्रू फोकस बिकम्स पैरेलल। ओके, ये आजकल एक फोर्थ पॉइंट भी देने लगा है, जबकि इसका भी कोई खास, सब उसी पे बेस्ड है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पे, कि प्रिंसिपल एक्सिस पे किसी खास एंगल पे कोई एंगल इंसिडेंट हुआ है तो वही एंगल बनाकर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे इतनी देर में? नो, आज बच्चे कम हैं। मतलब एक दिन का ही जोश है क्या ये तुम लोग का, हा? सबसे दिक्कत यही है कि आप लोग में इतना ज्यादा जल्दी डाइवर्ट होते हो किसी चीज से। जैसे YouTube पे भी अगर देखते होगे तो क्या करते होगे, 10-2 चैनल देखते होगे, सोचते होगे कि ई भी देख लें, ई भी देख लें, ई भी देख लें, और पता क्या चला, कुछ नहीं समझ। अब कल का क्लास इसीलिए ज्यादा बच्चे अटेंड किया क्योंकि क्यूरियोसिटी होगा कि हाँ भाई नया क्लास में जा रहे हैं, थोड़ा पढ़ लें, वही पुराना संकल्प, इस बार 10th में तो एकदम खूब मेहनत करेंगे, और दूसरे ही दिन संकल्प टूट गया, है ना। अब है हम लोग डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखेंगे और देखेंगे क्या क्या इमेज बनता है, ठीक है। यहीं पर मैं आपको एक बताऊंगा ट्रिक कि ज्यादा आसानी होगा कि किस जगह पे ऑब्जेक्ट रखे तो इमेज कहाँ बनता है। ये क्या होता है, बच्चों को थोड़ा इसमें दुविधा हो जाती है, याद करते हैं, याद तो करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हम वो ट्रिक इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। पहले नेचर ऑफ इमेज
नेचर ऑफ इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट डिफरेंट पोजिशन। डिफरेंट पोजिशन ठीक, तो जरा जाने हम लोग वो डिफरेंट पोजिशन क्या है। दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, फर्स्ट पोजिशन। बिटवीन पोल एंड फोकस, ओके, सेकेंड पोजिशन एट फोकस, थर्ड पोजिशन बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ सर्विस, फोर्थ पोजिशन एट सेंटर ऑफ सर्विस, फिफ्थ पोजिशन बियॉन्ड सेंटर ऑफ सर्विस, सिक्स्थ पोजिशन इन्फिनिटी। तो छह पोजिशन हम लोग ले लिए, समझ गए। बेहतरीन एक आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं, लगता है सबसे पहला जो क्लास हुआ था उसमें मैंने ये बताया था। उस दिन तो लगता है हर हाँ देखो छह जगह हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे, एक बिटवीन पोल एंड फोकस, दूसरा एट फोकस, तीसरा बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, चौथा एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पांचवा बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर और सिक्स इन्फिनिट। एक मैं क्या करता हूं, वहां ऑब्जेक्ट मैं नहीं रख रहा हूं, सिर्फ पोजीशन का नेमिंग दे रहा हूं कि बिहाइंड द मिरर एक मैंने पोजीशन को नंबर दिया है दैट इज सेवन। अब देखो बड़ा आसान है, समझा रहा हूं मैं, गौर से सुनिएगा और गौर से देखिए। ऑब्जेक्ट के पोजीशन को मैंने नंबरिंग कर दिया है ना, किया है कि नहीं। और ये है इमेज पोजीशन, इमेज पोजीशन, और ऑब्जेक्ट पोजीशन और इमेज पोजीशन का सम जो हो वो एट आ जाए, ये याद रखें। अगर आप अपने बुक से मिलाते जाइए, ऑब्जेक्ट पोजीशन मेरा वन है, मीन्स बिटवीन पोल एंड फोकस है, तो इमेज पोजीशन क्या होगा उसमें उतना अंक जोड़ दो ताकि जोड़कर एक आ जाए, यानी सेवन, ओके, यानी बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा, बिहाइंड द मिरर इमेज बनेगा। देख लो बुक में मिला लो, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं एट फोकस मतलब टू पे रखा ऑब्जेक्ट को, तो बोलो टू में क्या ऐड करेंगे कि एट आएगा, सिक्स। कौन सा पोजीशन है देख लो, इन्फिनिटी। आप बुक में मिला ये कि फोकस पे यदि मैं ऑब्जेक्ट को रखता हूं तो इमेज कहां बनता है, इन्फिनिटी पे। ट्रिक काम कर रहा है ना। थ्री, थ्री इज वेयर बिटवीन एफ एंड सी, थ्री इज बिटवीन एफ एंड सी, और थ्री में क्या एड करें, फाइव। आप चेक कीजिए कहां है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्व आ रहा है ना, ट्रिक अप्लाई हो रहा है ना अच्छी तरह से। फोर,
फोर मीन्स एट सेंटर ऑफ सर्विस, फोर मीन्स एट सेंटर ऑफ सर्विस, उसमें क्या ऐड करें, फोर। देख लो, हाँ ना, फाइव फाइव, फाइव में क्या ऐड करें, थ्री थ्री। ये भी तुम सही बोला, इधर से एक दो तीन चार पांच छह सात लिख दें और उधर से सात छह पांच चार तीन दो एक लिख दें, है ना। चलो तुम भी एक अच्छा हमको हेल्प कर दिया, मतलब उस केस में हमको अब एट बोलने का जरूरत नहीं पड़ेगा, सीधे बोल देंगे एक तरफ इंक्रीजिंग ऑर्डर में और दूसरे तरफ डिक्रीजिंग। यही होता है, बच्चे अगर इंटरेस्ट लेते हैं तो हम लोग अगर कुछ बोले तो वो कुछ और सोचता है, देखो ये और हमको बेटर लगा जो तुम बोला। सिक्स, सिक्स इज इन्फिनिटिव मीन्स टू, टू एट फोकस। सेवन, वन, क्या हो गया बिटवीन फोर एंड फोकस, है ना। तो ये हमारा इमेज फॉर्मेशन, ये हम जान भी गए कि ऑब्जेक्ट को रखने पे इमेज कहां बनेगा। अब हम बना के देखते हैं, ठीक है, बना कर देखते हैं। देखिए पहला पोजीशन, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकस पोल और फोकस के बीच रख रहे हैं, दिस इज पोल सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस, पहला पोजीशन बिटवीन पोल एंड फोकस। पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस अगर गया, पहला भी मैंने दिखा रहा है, मैं दिखा रहा हूं इधर, इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इट पासेस थ्रू फोकस, ठीक। ये हो गया, दूसरा आप ले चलिए सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जा रहा है, ठीक। इस रे को पीछे किया जाए तो यहां बन रहा है इमेज, दिस इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक, और भी है कि दिस इज मैग्निफाइड इमेज, है ना, ये मैग्निफाइड इमेज बन रहा है,
तो बनाने का तरीका ये होता है, पहले ऑपोजिशन आप शो कर दे, उसके बाद रे डायग्राम बना दे। ओके, रे डायग्राम हो सकता है क्लास खत्म हो जाए तो उसके बाद जरूरी नहीं है कि आप बैक करें, क्योंकि मैंने 3 मिनट पहले चालू किया था तो हो सकता है 40 मिनट के काम वो पहले ही स्टॉप कर दे। तो ठीक है, वहीं पर स्टॉप हो जाइए। नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज क्या है? नेचर ऑफ इमेज, दिस इज फर्स्ट बिहाइंड द मिरर। देखो बहुत कुछ होता है, एक ही पॉइंट से सारा रीजन मिल जाता है, लेकिन तभी लिखने का तरीका है। अब जैसे जैसे ही मैंने लिखा बिहाइंड द मिरर, इसी से पता चल गया कि वो वर्चुअल वर्चुअल है, इसी से पता चल गया कि वो इरेक्ट वर्चुअल है तो इरेक्ट है, बस एक थोड़ा डिफरेंट है कि वो बड़ा बना कि छोटा बना। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल, हाँ बड़ा बना। बिहाइंड द मिरर वर्चुअल और इरेक्ट, अगर देखा जाए तो सारा एक ही बात, लेकिन तब भी लिखना चाहिए बिहाइंड द मिरर दिस इज वर्चुअल थर्ड इज इरेक्ट एंड द फोर्थ इज मैग्निफाइड। हाँ वही बात, एनलार्ज भी ठीक है। तो ये चीज हुआ हमारा, और तो आप लोग एक काम कीजिएगा कि आज डिफरेंट पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रख दीजिए,